हेलो एवरीवन, फायर शार्क में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिजिटल रुपी आखिर है क्या चीज़। सो व्हाट इज डिजिटल रुपी? तो जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो लॉन्च कर रहा है, अभी फिलहाल पायलट बेसिस पे है, आगे इसको फुल टाइम लॉन्च किया जाएगा। तो ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है CBDC, इसको एक लीगल टेंडर माना जाएगा, यानी कि जो असली रुपया है जो हम लोग पेपर वाले करेंसी यूज़ करते हैं उसी के मुकाबले का होगा, उसी के बराबर का होगा। इसे हम लोग डिजिटल रुपी या फिर जो ये ई और रुपए का साइन है वो उससे हम डिनोट करेंगे। और इसको आप कहीं भी एक्सचेंज कर सकते हो, चाहे आपको कोई शॉपिंग करनी है, ट्रांजैक्शन करनी है, उसमें भी इस्तेमाल हो जाएगा। जब बैंक्स आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें भी इस्तेमाल हो जाएगा। हालांकि दो तरीके के ये ई रुपीज़ होंगे, यानी कि एक होगा आपका होलसेल वाला जो कि बैंक्स या जो लार्ज ट्रांजैक्शन उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और एक होगा रिटेल वाला जो कि हम लोग नॉर्मल कंज्यूमर्स की तरह इस्तेमाल करेंगे। ये सेफ होगा और ये जो हमारी वैल्यू जो स्टोरेज होगी वो हमारे फ़ोन्स में होगी या आपकी जो भी डिवाइस हम जिसमें स्टोर करना चाहते हो उसमें एक वॉलेट ऐप होगी जिसके अंदर आप इसको सिक्योरली स्टोर कर सकते हो। इसको आप फ्रीली जो है कन्वर्ट भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो उसको फिजिकल करेंसी में आप एक्सचेंज कर सकते हो या फिर वापस इसको अपने डिजिटल फॉर्म में ले सकते हो। पर इसकी आखिर ज़रूरत क्या पड़ी, तो आइए देखते हैं कि एक टिपिकल कैश ट्रांजैक्शन कैसे होती है। तो जब हम लोगों को एक कैश ट्रांजैक्शन करनी है, मान लो एक बंदा एक गाड़ी खरीदना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो कैश देगा और उसके बदले गाड़ी ले लेगा। काफ़ी सिंपल ट्रांजैक्शन है, काफ़ी इसके फायदे भी बहुत सारे हैं। तो पहले एक एक करके भी फायदे देखते हैं, फिर देखते हैं इसमें कमियां क्या हैं। तो जो फायदे हैं, सबसे पहले तो ये इमीडिएट है, तुरंत हो जाता है, आप सामने सामने कैश देते हो और प्रोडक्ट ले लेते हो। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये रिलायबल है। आपको मालूम है कि एक लीगल टेंडर है ये जो कैश है, बैंक्स वगैरह इसको हर जगह एक्सेप्ट करते हैं, हर इंसान इसको एक्सेप्ट करेगा, तो ये रिलायबल है, ये हर जगह चल जाएगा, आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। टैंजिबल, आप उसको पकड़ सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, तो एक उसकी जो फीलिंग होती है कि इसको आप काउंट कर सकते हो, सेव कर सकते हो, अपने पास सुरक्षित रख सकते हो, तो वो टैंजिबल वाली फीलिंग भी आती है साथ में। नॉन वॉलेटाइल है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। अगर एक 10 रुपये के नोट पर 10 रुपये लिखा है तो उसकी वैल्यू 10 रुपये ही है, ऐसा नहीं है कि कल वो 15 रुपये की हो जाएगी। मैं यहाँ पे GDP और जो इकोनॉमिक की जो आर्थिक स्थिति होती है उसकी बात नहीं करूँगा। वैसे तो पैसे की वैल्यू चेंज होती है, पर जो करेंसी जो फिक्स्ड वैल्यू उस पर दे रखी है वो वैल्यू सेम रहने वाली है, इतनी चेंजेस नहीं आते उसमें, वो नॉन वॉलेटाइल होती है। और ये फ्री होता है, यानी कि आप जब कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसमें आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता, कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता, तो ये काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है इसलिए। पर इसके कुछ कॉन्स भी हैं। सबसे पहले जो इनकन्वीनियंट है, इनकन्वीनियंट का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि आप कैश ट्रांजैक्शन करने में आपको कोई तकलीफ है, दिक्कत ये है कि अगर आपको कोई लार्ज ट्रांजैक्शन करनी है, मान लो कुछ लाखों में ट्रांजैक्शन करनी है या उससे भी ज़्यादा की, तो आपको कैश कैरी करना एक इनकन्वीनियंस है। पहली बात, आपको उसको काउंट करना पड़ेगा, एग्जैक्ट अमाउंट देना पड़ेगा। छोटे छोटे ट्रांजैक्शन के लिए भी हो सकता है आपका एग्जैक्ट अमाउंट सेम ना बैठे, आपको चेंज वापस लेना पड़े, तो वहाँ पर भी थोड़ी सी तकलीफें होती हैं। और आपको उसको सेफ गार्ड करना आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाता है। इसलिए इसमें वेयर एंड टेयर भी होते हैं, आपके नोट होते हैं वो पुराने हो जाते हैं, गल जाते हैं, फट जाते हैं, तो उसमें भी नुकसान होता है। मान लीजिए आपका नोट फट गया, आप शायद उसको बैंक में जाके चेंज तो करा लोगे, बट बैंक को भी वो चीज़ें प्रिंट करनी पड़ती हैं रियूजमर उसको जो है रिन्यू करने के लिए, तो उसमें भी जो आपका जो पैसा लगता है सरकार का वो भी लगता है। फिर इसकी काउंटरफिटिंग, यानी कि इसके नकली नोट बनने के भी चांसेस हो जाते हैं। माना हालांकि हमारे रुपये काफ़ी सेफ है, उसको काउंटरफिट करना इतना आसान नहीं है, पर आम आदमी को शायद फ़र्क इतना ज़्यादा महसूस ना हो पाए। हो सकता है कि एक काउंटरफिट काफ़ी क्लोज या क्लोजली रिजेंबल करे असली नोट को, तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीज़ें भी होती हैं कैश ट्रांजैक्शन के उसमें, जिसमें कि लोग मनी को लॉन्डर कर लेते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी हो जाती है, इलीगल जो ट्रांजैक्शंस हो जाती है जिसको आप ट्रैक नहीं कर सकता कोई, तो ये थोड़ी दिक्कत वाली बात होती है। तो ये सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं कैश ट्रांजैक्शन के लिए। इसी वजह से इसकी कुछ कमियों को पूरा करने के लिए हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड भी इम्प्लॉय करना शुरू किया था। तो अगर मान लो ये दोनों एक डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, सामने सामने नहीं है, तो कैश ट्रांजैक्शन का तो ऑप्शन वैसे ही हट जाता है, क्योंकि आप कैश नहीं ट्रांजैक्शन कर सकते। तो इसलिए हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन का जो है शुरू किया था कुछ टाइम पहले। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन में क्या होता है, एक बैंक बीच में आ जाता है, तो आप अपने आपके खुद के अकाउंट जो कि आपके बैंक के साथ है उसमें आप रिक्वेस्ट भेजोगे बैंक को कि मुझे पैसा ट्रांजैक्शन करना है। बैंक उस रिक्वेस्ट को अप्रूव करेगा और फिर दूसरे बंदे के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये हो सकता है कि मल्टीपल बैंक्स के बीच में हो रहा हो, आपने एक बैंक को बोला, उस बैंक ने दूसरे बैंक में ट्रांसफर किए और उस दूसरे बैंक से आपके टारगेट और जो आपके जो रिसिपिएंट है उसके अकाउंट में पैसे चले गए, तो ये बैंक ट्रांजैक्शन हो गई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। तो इसमें क्या है, इसके भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स हो गए। इसने कैश ट्रांजैक्शन की कुछ कमियों को पूरा तो ज़रूर किया है,
ये कन्वीनियंट हो गया है, आपको जो है बड़े अमाउंट जो है कैरी करना नहीं पड़ेगा, एग्जैक्ट अमाउंट आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, चेंज की कोई दिक्कत नहीं है, और उसकी सिक्योरिटी जो है वो बैंक की जिम्मेदारी हो जाती है, आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहती। साथ ही रिलायबल है, आपको मालूम है कि ये लीगल टेंडर है, यानी कि ये असली रुपए पे ही चल रहा है ना, तो ये लीगल टेंडर है, हर जगह चलेगा, कोई इसको मना नहीं कर सकता, तो ये रिलायबल, आप इस पर रिलाई कर सकते हो। ये भी नॉन वॉलेटाइल है जैसे कि कैश था, क्योंकि ये एक्चुअल कैश पे ही बेस्ड है, इसकी जो बैकिंग है बैंक कर रहा है। नो वेयर एंड टेयर, जो पहली वाली कमी थी पैसे में, जो फिजिकल नोट में, वो उसमें पूरी हो गई है, तो उसमें नोट पुराने नहीं होंगे, गलेंगे नहीं, फटेंगे नहीं, तो वो भी खर्चा बच जाता है बैंक का। बैंक सुपरवाइज्ड है, यानी कि अगर कोई ट्रांजैक्शन में दिक्कत आती है या कहीं अटक जाता है कुछ मामला, तो बैंक उसमें इंटरफेयर कर सकता है और उसको ठीक कर सकता है। साथ ही टैंजिबल है, टैंजिबल मतलब ये नहीं है कि आपके हाथ में पैसा आ रहा है, पैसा कहीं तो एक्सचेंज हो रहा है ना, बैंक टू बैंक जा रहा है या एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जा रहा है, लेकिन एक्चुअल मनी जा रही है, तो वो टैंजिबल कहलाएगी। कॉन्स जो है इसके, वो आते हैं कि ये नीड ऑफ बैंक अकाउंट, अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आप ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। आजकल क्या हो गया कि कुछ वॉलेट्स भी आप यूज़ कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट्स हैं जैसे कि पेटीएम, फ़ोनपे, मोबीक्विक और जितने भी हमारे आजकल चल रहे हैं, तो वो वॉलेट भी यूज़ हो जाते हैं, बट उसके लिए भी आपको उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा, बिना अकाउंट के आप इसका ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। नो प्राइवेसी, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो सब रिकॉर्ड्स में जा रही है, चाहे उसको बैंक देख रहा है, चाहे वो आपके वॉलेट वाले जो प्रोवाइडर्स हैं वो देख रहे हैं, बट आपकी ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर किया जा रहा है, तो हमें प्राइवेसी नहीं रहती। जैसे कि कैश में थी कि आप कैश किसी को भी दे सकते थे बिना किसी को जो है किसी सुपरविजन के, आप प्राइवेटली किसी को दे दोगे कैश और ट्रांजैक्शन कर लोगे, तो यहाँ पे प्राइवेसी नहीं रहती है। ट्रांजैक्शन के कई बार चार्जेस होते हैं, कुछ बैंक्स या कुछ वॉलेट्स कई बार कुछ ट्रांजैक्शंस के लिए चार्जेस अप्लाई करते हैं, कोई फिक्स चार्ज होगा या एक परसेंटेज वो लेवी करते हैं उस पर, क्योंकि इसमें आपको कन्वीनियंस हो रही है, तो कन्वीनियंस की फ़ी कह लो या कुछ वैसे चार्जेस जो सरकार बनाती है, तो इसमें भी थोड़ा सा एक दिक्कत की बात हो जाती है। साथ ही टाइम टेकिंग है, माना कि अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिकली, आपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे भेजे हैं, शायद वो रिफ्लेक्ट तुरंत कर जाए या 5 मिनट में करे, या कई बार होता है कि ज़्यादा टाइम ले लेता है, बट वो अकाउंट से अकाउंट जब एक्चुअली ट्रांसफर होगा आपको तो नहीं दिखाई दे रहा, पर जो अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफर हो रहा है उसमें समय लग जाता है, वो इमीडिएट नहीं होता कई बार। तो ये इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। इसी को पूरा करते हुए एक क्रिप्टो करेंसी वाली ट्रांजैक्शन शुरू होना शुरू हुई थी कुछ टाइम पहले, ये पिछले शतक यानी पिछले डेकेड में शुरू हुआ है, क्रिप्टो करेंसी लेके काफ़ी पॉपुलर हुई है। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन पे चलती है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में होती है और ये डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कि किसी भी अथॉरिटी यानी कि कोई बैंक या कोई सरकार इसको कंट्रोल नहीं कर रही है। इसकी जो खासियत थी वो यही थी कि इस पर कोई सुपरविजन नहीं है, ये हर जगह क्योंकि ब्लॉकचेन पे चल रहा है तो हर जगह जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है सारे के सारे लेजर्स तुरंत अपडेट होते थे, तो इसलिए जो उसमें ट्रस्ट था वो उसी के बेसिस पर कि जितने ज़्यादा लोग उसको यूज़ करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे, उतना ही इसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो इसमें क्या है कि ये सीधा ट्रांजैक्शन होता है 1-to-1 जैसे कि कैश होता था, बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं है, कोई बैंक नहीं है, कोई सुपरविजन नहीं है, तो जो कुछ कमियां पहले वाले में दिखाई दी वो इसमें नहीं होंगी। हालांकि इसकी अपनी खुद अलग कुछ कमियां हैं, वो भी हम बात करते हैं। तो जो प्रोज हैं, प्रोज ये हैं कि कन्वीनियंट है बिल्कुल, आपको तुरंत ट्रांजैक्शन हो रही है, इमीडिएटली हो रही है, सामने वाले बंदे को आप जैसे भी दे सकते हो, किसी भी डिस्टेंस पे आप तब भी दे सकते हो और सीधा उसके पास जा रही है वो, बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं है, इमीडिएट है ये। इसमें प्राइवेसी भी मेंटेन हो रही है, यानी कि कोई सुपरविजन नहीं कर रहा है, आप कैसे भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। अगेन इसमें नो वेयर एंड टेयर, यानी कि कोई नोट पुराने नहीं होंगे, गले नहीं, क्योंकि वो फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। इसके लिए कोई बैंक अकाउंट की भी ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि बैंक अकाउंट तो आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन में चाहिए, यहाँ तो बैंक की बात ही नहीं आ रही, यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट है ही नहीं, जैसे आप कैश ट्रांजैक्शन कर रहे थे बिना किसी बैंक अकाउंट के, वैसे ही आप एक क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन भी कर सकते हो, क्योंकि उसमें भी आपको बैंक अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर होता है, यानी कि आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो ऐसा नहीं है कि कोई इसको जो है दोबारा खुद से कर दे, मतलब आपके बिहाफ पे कोई और कर दे, नहीं हो पाएगा, क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर है। इसके जो है काउंटरफीट भी नहीं बन सकते, राइट? बट इसकी जो कमियाँ हैं जिसकी वजह से सरकार से थोड़े परेशान भी है, तो पहली बात तो ये वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल क्यों है? क्योंकि ये टैंजिबल नहीं है, और टैंजिबल नहीं है मतलब यानी कि ये रियल लाइफ में एक्जिस्ट ही नहीं करता, इसकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है। इसकी वैल्यू उतनी ही होती है जितने लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं या जितने लोग इसको यूज़ करेंगे, इस पर जितना ट्रस्ट रखेंगे। तो अगर कभी कोई क्रिप्टो करेंसी पे लोगों का भरोसा उठ जाता है, उसकी वैल्यू एकदम से ख़त्म हो जाएगी। ऐसा पिछले डेकेड में कई बार हुआ भी है, कुछ बबल्स बने थे क्रिप्टो करेंसी के जिसमें लोग ट्रेडिंग कर रहे थे, वो बबल्स बस्ट भी हुए हैं, लोगों के नुकसान भी हुए हैं, कई लोगों ने इसमें प्रॉफिट कमाया, कई लोगों ने इसमें लॉस हुआ, बट वो वॉलेटाइल चीज़ है क्योंकि इसकी रियल फैक्ट्स फिक्स वैल्यू नहीं है, इसकी कोई बैकिंग नहीं है, कोई इसमें बैंक नहीं है पीछे,
जैसे इसमें सुपरविजन नहीं है, तो अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो ऐसा नहीं कि कोई अथॉरिटी से आप अपील कर सकते हो कि मेरी ट्रांजैक्शन खराब हो गई या मुझे रिफंड चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक बार वो ट्रांजैक्शन हो गई तो हो गई, अगर पैसा अटक गया तो अटक गया, जैसा भी है। इसमें कोई सुपरविजन नहीं है, कोई बैंक अकाउंट की बैकिंग नहीं है, इसकी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ये लीगल टेंडर भी नहीं है, इसको सरकारें नहीं मानती। हो सकता है कि कुछ सरकारें मानती हो, हमारी भारत सरकार यानी कि इंडिया में ये लीगल टेंडर नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी अपने आप में एक स्टैंडर्डाइज नहीं है, इसकी कई सारे वेरिएंट्स हैं, जैसे कि बिटकॉइन हो गया या ऐसे और भी कुछ कंपनीज हैं जो कि अपने क्रिप्टो करेंसी चलाती हैं, तो वो किस किस को एक्सेप्ट करेंगे। हमारे सरकार में, हमारे इंडिया में हम लोग खाली रुपये का इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर नहीं है। और मतलब आप कहीं ट्रांजैक्शन करने जाओगे, हो सकता है सामने वाला बंदा एक्सेप्ट कर ले, बट ये भी हो सकता है कि वो ना करे, तो आप उस पर इम्पोज नहीं कर सकते, तो ये हर जगह नहीं चलता है, तो ये थोड़ा इनकन्वीनियंट भी होता है उस हिसाब से। इस पर कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है टैक्सेस भी इम्पोज किए हैं, ये रिसेंट है, वो इसलिए हुआ है क्योंकि लोग इसको ज़्यादा यूज़ करने लग गए थे, तो उसको लोगों के प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए कि उस चीज़ में ना फंसें और जो है अपने नुकसान ना कराएं, इसलिए गवर्नमेंट ने इस पर कुछ टैक्सेस लगाए हैं इसको डिटर करने के लिए। तो इसके भी कुछ प्रोज थे जो कि हमने देखे, पर इन्हीं सबको मिलाते हुए आज हम लोग ई रुपी यानी कि डिजिटल रुपी की तरफ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो डिजिटल रुपी ट्रांजैक्शन में क्या चीज़ है कि वहाँ पर बैंक है, बैंक ही इशू करता है, जो आपके फिजिकल नोट्स जैसे प्रिंट करता है बैंक, वैसे ही बैंक आपको इशू करेगा। यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, तो वही जो है आपको इशू किया करेगा इलेक्ट्रॉनिक रुपीज़। तो पहली बात तो उसकी ऑथेंटिसिटी हो गई, दूसरा ये वन टू वन हो गया कि आप जो है सीधा ट्रांजैक्शन कर सकते हो दूसरे बंदे के अकाउंट में, यहाँ पे बैंक इसको सुपरवाइज नहीं कर रहा है, आपके पैसे बैंक के थ्रू होते हुए नहीं जा रहे, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं है आपको। जैसे आप सिंपल कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हो, वैसे आप ई रुपी वाली ट्रांजैक्शन भी कर सकते हो। तो उसके प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं। पहले तो ये कन्वीनियंट हो गया और रिलायबल हो गया, क्योंकि ये लीगल टेंडर है, भारत सरकार इसको एक्सेप्ट करती है हर जगह, तो आप किसी को भी ये ई ट्रांजैक्शन कर सकते हो, कोई इसको मना नहीं कर सकता। और ये कन्वीनियंट भी है, यानी कि वन टू वन है, तुरंत हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इमीडिएट हो जाता है ये। फिर इसमें प्राइवेसी भी मेंटेन रहती है, क्योंकि बैंक इसको सुपरवाइज नहीं कर रहा है, ये ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होके नहीं जा रही है, सीधा वन टू वन जा रही है, इसलिए इसमें प्राइवेसी भी मेंटेन रहती है। तो जो कैश वाले बेनिफिट्स थे आपको ई रुपीज में भी मिल रहे हैं, इसमें वेयर एंड टेयर भी नहीं होता है और इसमें बैंक अकाउंट की भी जरूरत नहीं है। साथ ही इसमें और भी प्रोज हैं, ये नॉन वॉलेटाइल है क्योंकि इसकी फिक्स्ड वैल्यू है, बैंक ने इसको इशू किया है तो ये एक्चुअल मनी जो है उसी की बेसिस पे इसको इशू किया गया है, यानी कि इसकी एक्चुअली टैंजिबल वैल्यू है रियल लाइफ में, ये ऐसा नहीं है कि खाली कंप्यूटर्स में एग्जिस्ट करता है, इसकी एक रियल लाइफ वैल्यू है जो कि बैंक मेंटेन करेंगे। टैंजिबल यहाँ पे जो करेंसी हम लोग यूज़ कर रहे हैं डिजिटल करेंसी, उसकी बात नहीं हो रही है, उसकी रियल लाइफ वैल्यू की बात हो रही है। इसको बैंक जो है वो बैक करता है, यानी कि उसकी वैल्यू फिक्स्ड रहेगी, स्टेबल रहेगी, ये ऐसा नहीं कि कल गायब हो जाएगा। आप आज ई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, डिजिटल रुपीज़ हमने कई सर आपके फ़ोन में आ गए, तो ऐसा नहीं कि कल उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, वो कल भी उतनी ही रहने वाली वैल्यू, तो ये सेफ है उस हिसाब से। और ये लीगल टेंडर है, यानी कि इसको हर जगह आप यूज़ कर सकते हो। तो और इसको क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर माना जाता है, ये जैसे हमारा क्रिप्टो करेंसी थी वैसे ही ई रुपीज़ भी जो है क्रिप्टो करेंसी है, इसमें क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है, ये सेफ ट्रांजैक्शंस है, इसमें प्राइवेसी मेंटेन रहेगी, इंक्रिप्शन यूज़ होता है, तो इसमें आपका काउंटरफीटिंग नहीं हो पाती। साथ ही सरकार इसमें चाह रही है कि जैसे छोटे मोटे ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं, आपकी प्राइवेसी बिल्कुल मेंटेन रहेगी, पर अगर कोई बड़ा ट्रांजैक्शन होता है, यानी कि जैसे अगर आप मनी लॉन्डर करने की कोशिश करोगे तो बैंक वहाँ पे उसको पकड़ सकता है, तो यानी कि यहाँ पे एक प्लस पॉइंट आ जाता है कि आप इस करप्शन को भी रोक सकते हो इसके थ्रू। साथ ही ये फ्री है, यानी कि आप इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजैक्शन तो कर रहे हो पर ये बिल्कुल फ्री है, आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, उसमें कोई चार्जेस नहीं है। जैसे आप रुपए इस्तेमाल करते हो फिजिकल वाला, वैसे ही आप ई रुपीज़ इस्तेमाल कर सकते हो डिजिटल वाला। तो ये इसके कुछ प्रोज हैं, कॉन्स इसके अभी ऐसे एज सच ज़्यादा नहीं है कोई, सिर्फ इतना है कि लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है, हम लोगों को अपने पासवर्ड्स को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा, जो भी हमारे इसमें पिन यूज़ होगा वॉलेट में उसे सेफ रखना पड़ेगा, उसके अलावा इसमें कोई कॉन्स नहीं है। जैसे कि अगर आप एक फिजिकल वॉलेट कैरी करते हो, वैसे आप अपने फ़ोन या जो भी डिवाइस में आप अपना ई रुपीज़ कैरी कर रहे हो वैसे कर सकते हो, हालांकि आपके वॉलेट चोरी होने के चांसेस होते हैं, आपका फ़ोन अगर चोरी हो भी जाता है तो उसमें आपका पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा, तो आपके पैसे सिक्योर रहेंगे, तो ये इसका काफ़ी प्लस पॉइंट हो गया है।